हेलो एवरीवन। तो पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15 तक पढ़ लिए थे। कल हमने फंडामेंटल राइट्स के बेसिक्स वगैरह सब चीज़ें अच्छे से कवर कर ली हैं, राइट? क्या है लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव इक्वालिटी, नेगेटिव इक्वालिटी एंड हाउ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दैट, राइट? तो अगर आपको वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एटसेट्रा लेनी है, राइट, रिजर्वेशन के मॉरल जस्टिफिकेशन, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे कैसे आएंगे, अगर वो देखना है तो पिछली क्लास को आप जाकर के देख सकते हैं, पिछले सेशन को प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। आज शुरू करते हैं राइट टू इक्वालिटी का ही, ठीक है, आर्टिकल 16 जो कि बात कर रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बिफोर स्टार्टिंग, पहले है ना आपको बता दिया जाए कि जो नए लर्नर जुड़ रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग दिस, कि हम व्हाई वी आर बेसिकली कवरिंग द एंटायर पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू द रियल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द रीजन बीइंग दैट नाउ लुक, यू हैव सर्टेन सब्जेक्ट जिन पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पॉलिटी, अगर आपको 15 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से कम 12 से 13 आपके अच्छे करेक्ट होने चाहिए, 13 करेक्ट होने चाहिए। अब भाई साहब, इन 13 में से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां वो एज पर द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन करके इस तरीके से वो स्टेटमेंट बना देते हैं। फॉर दैट यू नीड टू नो कि क्या चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और क्या नहीं लिखी है और एक्चुअल में उसका मीनिंग, राइट, और बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उस चीजों के लिए बेसिकली हमारी ये शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज है, आप डेली फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आर्टिकल 16 कह रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कल ही मैंने आपको बोल दिया था कि जब भी आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स को या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को, देयर विल बी सम प्रोविजंस व्हिच आर अवेलेबल एक्सक्लूसिवली फॉर सिटीजंस, देयर आर सम प्रोविजंस व्हिच आर अवेलेबल फॉर पर्संस। पर्सन और सिटीजन के बीच का डिफरेंस क्या है, ये जानने के लिए पिछले कल के लेक्चर को जाकर देखिए, मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ आपको इस, ठीक है, यहाँ पे आपको ये गौर करना है कि कल जैसे हमने देखा आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू पर्संस, आर्टिकल 15 इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजंस, राइट? सिमिलरली आर्टिकल 16 इज आल्सो अवेलेबल टू सिटीजन। तो हमने ये भी देखा साथ में कि आर्टिकल 15 इज अवेलेबल अगेंस्ट द सिटीजन एज वेल एज अगेंस्ट द स्टेट, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट बॉडी, ठीक है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन, इट इज ओनली अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ओनली, यहाँ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है, प्राइवेट कंपनी पे ये आर्टिकल लागू नहीं होता है। व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज रिसेंटली देयर वॉज ए केस इन हरियाणा। हरियाणा सरकार ने, अब हरियाणा सरकार है भाई, वो है ना कुछ भी कर सकती है। तो हरियाणा सरकार ने क्या किया कि दे अनाउंस्ड कि वी विल गिव अराउंड 60% रिजर्वेशन टू द पीपल बिलोंगिंग टू हरियाणा ओनली। तो उन्होंने रेजिडेंस एज अ रिक्वायरमेंट, रेजिडेंस एज ए रिक्वायरमेंट फॉर सर्विस वहां पे कर दिया। लेकिन ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ये रिजर्वेशन लागू किया। तो ये रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में रहेगा, सिर्फ हरियाणा के लोगों के लिए हम जो है इतनी सारी यहाँ पे ये, ठीक है, रिजर्वेशन रखेंगे। तो इस चीज को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, ग्राउंड बीइंग कि भैया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है ये आपको जो है, ठीक है, ये मेंटेन करनी है, नंबर वन, राइट। नंबर दो, भैया पब्लिक, अब इसमें हम जब आगे देखेंगे कि देयर इज अ प्रोविजन कि भैया अगर आपको कोई भी, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग रेजिडेंस को अगर आपको एज ए रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, भैया इस पर्टिकुलर स्टेट में, इस पर्टिकुलर स्टेट का रेजिडेंट होना, डोमिसाइल होना आपके लिए जरूरी है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, अगर आपको वो कंडीशन प्रोवाइड करनी है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, समझ रहे हो? स्टेट को अगर आपको रेजिडेंस एज ए रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट विद इन द स्टेट अगर वो अनाउंस करनी है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है अंडर दिस आर्टिकल। दिस इज वाई दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। दिस इज वाई द लॉज वर चैलेंज्ड, नॉट ओनली हरियाणा लॉ, है ना, मेनी अदर स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ऑल्सो ट्राइड टू एनेक्ट सच ए लॉ, बट हरियाणा गवर्नमेंट लॉ इट हैज बीन चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। नाउ equality of opportunity in matters of public employment, subsection 1 of this article says that there shall be equality of opportunity for all citizens, not for persons. It means a body corporate, ek company aakar ke claim nahi kar sakti hai ki mujhe private public employment do, ek koi foreigner aakar ke claim nahi kar sakta hai ki mujhe apne citizens ke at par rakho, unke equal rakho public employment ke liye, right? So this is only and only available for the citizens.
right, in matters relating to employment or appointment to any office under the state. Number second, no citizen shall, on the grounds only, ये चीज याद रखना है, only word यहाँ पे याद रखना है, only on the grounds of religion, race, caste, sex, descent and place of birth. ये याद रखना है आपको भैया कि कल हमने RRCSP पढ़े थे आर्टिकल 15 के लिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये पांच ग्राउंड आर्टिकल 15 पे लागू हो रहे हैं कि वहां पे इन पांच ग्राउंड्स पे अंडर आर्टिकल 15 आप किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 15 बात कर रहा है जनरल इक्वालिटी की, कॉमन इक्वालिटी कहीं पे भी जो फॉलो हो, ठीक है, आप कहीं अगर पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो वहां इक्वालिटी फॉलो होनी चाहिए, आप है ना कहीं पे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहां इक्वालिटी फॉलो हो, या इवन स्टेट के बिफोर भी, ठीक है, अगर आप कहीं स्टेट के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं तो वहां पे भी इन पांच ग्राउंड पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता आर्टिकल 15 के रिगार्ड में। आर्टिकल 16 में इन पांच के अलावा दो और ग्राउंड आ जाते हैं, नंबर वन इज डिसेंट, आपका वंश, दूसरा इज योर रेजिडेंस, भैया आप कौन से स्टेट के रेजिडेंट हो। नाउ दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड द क्वेश्चन इन 2021 देयर वाज अ क्वेश्चन कि भैया इंडिया में बताओ कि इनमें से कौन सी चीजें करेक्ट है। द सिटीजंस ऑफ इंडिया आर, ठीक है, आर रेजिडेंट, ठीक है, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, ऐसे करके था, ठीक है, कि भैया सिटीजनशिप एक ही है और डोमिसाइल एक ही है, या फिर देयर इज है ना ओनली वन सिटीजनशिप मल्टीपल डोमिसाइल्स। डोमिसाइल इज बेसिकली आप एक स्टेट में एक पर्टिकुलर लिमिट से, राइट, जो कि प्रेस्क्राइब की जाती है, नॉर्मली ये अराउंड 15 साल रहती है, ठीक है, ये प्रेस्क्राइब होती है कि भैया इस स्टेट का डोमिसाइल किसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो डोमिसाइल है, इंडिया में एक स्टेट के डोमिसाइल आप रह सकते हैं, एक ही सिटीजन आपके पास होगी, देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल डोमिसाइल मैकेनिज्म इन इंडिया, राइट, सो यू कैन बी अ डोमिसाइल ओनली ऑफ वन स्टेट। इसी के बेसिस पे, इसी पीवाईक्यू के बेसिस पे आपसे फर्दर क्वेश्चन बन सकता है, समझ रहे हो। अब देखो कि भैया नथिंग इन दिस आर्टिकल, हम क्या कह रहे थे, हाँ, सब सेक्शन 2 इसका कह रहा है कि ना सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि आर्टिकल 15 पे लागू हो रहे हैं, बल्कि इनके अलावा दो और ग्राउंड, वंश और रेजिडेंस एज ए रिक्वायरमेंट, इन दो ग्राउंड्स पे भी आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। इट मींस किसी भी स्टेट में आप जाओ तो आपके खिलाफ इस ग्राउंड पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कि आप किसी दूसरे स्टेट के रेजिडेंट हो। यहां तक ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 2 तक, सब सेक्शन 2 तक। सब सेक्शन 3 इसका कह रहा है कि भैया नो मैटर व्हाट, यहां पे जो लिखा हुआ है उसको है ना उसको अप्लाई करते हुए या ना करते हुए, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रेस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू क्लास और क्लासेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्टेन क्लास और क्लासेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एनी रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस। कि भैया पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होगा, ऊपर जो हमने लिखा है उसको इग्नोर किए बिना या फिर इग्नोर करते हुए, समझ रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ ऊपर हमने क्या लिखा है, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होगा कि वो जब चाहे एक लॉ बना सकती है, प्रोविजन बना सकती है, कानून बना सकती है कि भैया किसी स्टेट में अगर आप सर्टेन क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कई स्टेट्स हैं, कई क्या, पहले पार्लियामेंट ने इस चीज के लिए देर वॉज स्पेशल लॉ, राइट, दैट वॉज पास बाय पार्लियामेंट इन 1956 कि भैया रेजिडेंस एज ए रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये करके इन्होंने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957, तो ये एक एक्ट भी पार्लियामेंट ने पास किया था। अब इसमें मेनली स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, ठीक है, आपके आंध्र प्रदेश एटसेट्रा, इस तरीके के जो स्टेट्स हैं उनको इसमें रखा गया था कि सर्टेन क्लासेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जाम्पल सी ग्रेड, डी ग्रेड के जो आपके पोस्टिंग होती है वो सिर्फ फुलफिल की जाएगी इन्हीं सारे स्टेट से। अब ये जो रिक्वायरमेंट है ये लागू होती है सिर्फ आंध्र प्रदेश पे और तेलंगाना पे, सिर्फ इन दो स्टेट्स पे, समझ रहे हो बात को। तो दिस इज द थिंग कि पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब कर भी सकती है कि इस पर्टिकुलर ग्रेड पे, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ग्रेड पे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में उस पर्टिकुलर स्टेट के रेजिडेंट्स ही
अप्लाई कर सकते हैं वहां पे, उस पर्टिकुलर स्टेट के रेजिडेंट्स ही वहां पे ठीक है पोस्टिंग ले सकते हैं। दिस इज अबाउट योर ठीक है सब सेक्शन 3। अब देखो फिर से वही चीजें आ गई। मैंने आपको कहा था जब भी आप फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, स्पेशली राइट टू इक्वालिटी, फर्स्ट सेक्शन नेगेटिव इक्वालिटी की बात कर रहा है, सेकंड सेक्शन पॉजिटिव की बात कर रहा है। मैं आपको भाई साहब जिंदगी की एक अच्छी लर्निंग ये भी है, जब भी आपको खुद को प्रेजेंट करना पड़े कहीं एक ऐसी गेम में जो लॉन्ग टर्म गेम हो, ऑलवेज प्रेजेंट योर वर्स्ट साइड फर्स्ट। Let them assess you, right? Always present your worst side first. Why? Because look, most of the time, this is something we are deviating from the topic, right? लेकिन जिंदगी में आपको कहीं से भी अच्छी अच्छी learnings मिल सकती है, constitution से भी मिल रही है, ले लेते हैं। In anything, in relationship, in right, in any bonding or in anything, in your profession as well. No, when you present your, strong side or your best side first, people start expecting more than what you can handle, number one. Number two, दुनिया में ना एक रीति है, अगर आपको white color और black color से कोई painting बनानी हो, दो color से, और आपको ग्रे पेंटिंग बनानी हो, याद रखो देयर कैन बी नो पेंटिंग इन ऑल, ऑल ब्लैक इन कलर एंड नो पेंटिंग ऑल व्हाइट इन कलर। इफ यू वांट टू ड्रॉ ए गुड पेंटिंग यू हैव टू यूज एटलीस्ट टू ऑफ देम, एंड इफ यू पेंट योर पेंटिंग विद द ब्लैक कलर फर्स्ट एंड देन यूज व्हाइट, इट इज गुड, अदरवाइज ब्लैक इज गोइंग टू ओवरपावर द व्हाइट, राइट? सो पेंट योर ब्लैक कलर फर्स्ट, इट विल क्रिएट अ गुड सीक्वेंस कि हाँ आदमी को पता है कि इसकी वर्स्ट साइड ये है, इससे बेहतर ये है, नहीं तो नॉर्मली उल्टा चल रहा होता है। सबसे पहले वी विल ऑलवेज प्रेजेंट आवर बेस्ट फेस एंड देन गो डाउन 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 डाउन, देन दैट्स ऑल टॉक्सिक एटसेट्रा। लेट अस कम टू द टॉपिक अगेन। सब सेक्शन 4 इज सेइंग कि भैया नथिंग इन दिस आर्टिकल, वही चीजें जो हमने ऊपर देखा। सब सेक्शन 4 कह रहा है कि इनमें कोई भी एक ऐसा आर्टिकल, ठीक है, इस आर्टिकल में लिखा गया कोई भी प्रोविजन स्टेट पे किसी भी तरीके से, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, राइट? रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स इन पोस्ट इन वेरियस, है ना, वेरियस कैटेगरीज, जिसमें आपकी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन होंगे, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, राइट? जो कि इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। भैया स्टेट जो है ना, अगर उन्हें लगता है कि दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिटीजन इज नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड अंडर एनी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रीम इन द स्टेट, तो उनको आप जो है रिजर्वेशन दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक मामला आता है, मामला इज बेसिकली रिलेटेड टू रिजर्वेशन फॉर SC/BC। हुआ क्या था एक्चुअली, इनिशियली इन इंडिया 7.5% फॉर STs एंड 15% फॉर SCs, ये रिजर्वेशन ऑलरेडी थी। बट देयर इज अनदर आर्टिकल, आर्टिकल 340, विच इज सेइंग कि प्रेसिडेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन shall appoint a commission for assessing the conditions of SC/BCs, socially and educationally backward classes जो हैं, उनकी conditions को assess करने के लिए president एक commission appoint करेगा under article 340, समझ रहे हो? So इसी चीज को परसू करते हुए प्रेसिडेंट ने 1953 काका कालेलकर कमीशन बनाया। इन्होंने 1955 के आसपास, ठीक है,
कालिल कर कमीशन बनाया। 1955 के आसपास इन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दी। काका कालेलकर कमीशन ने भैया जो अपनी असेसमेंट दी, उन्होंने कहा कि अराउंड, ठीक है, 70% से ज्यादा तो SC ST और OBC टोटल मिला करके बन रहे हैं इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में, एंड दे आर नॉट वेल रिप्रेजेंटेड इन एनी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, नाइदर SCs नॉर ST's नॉर OBC's। OBC's तो आज भी नहीं है, OBC's के लिए 27% रिजर्वेशन है ना, ये इट वॉज द डेटा ऑफ ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की, भैया इंडिया में ओनली अराउंड 22% OBC's ये आज के दौर में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, अपने रिजर्वेशन कोटा से भी कम। लेकिन SC's और ST's अपने रिजर्वेशन कोटा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये अराउंड 16% के आसपास थे और ये अराउंड ठीक है 8.23% के आसपास थे ST's, समझ रहे हो बात को। तो ये जो है आज के दौर में भी इतनी बड़ी दिक्कत थी, काका कालेलकर ने इसको उस टाइम रिकॉग्नाइज किया, एंड कालेलकर रिकमेंडेड कि भैया OBC's के लिए भी अदर देन SC's एंड ST's देयर आर अदर कैटेगरीज ऑफ सिटीजंस लाइक OBC's विच शुड बी प्रोवाइडेड विद द प्रोविजन ऑफ, ठीक है, रिजर्वेशन, उनके लिए भी रिजर्वेशन आप दो। बट कालेलकर कमीशन की इस रिपोर्ट को नेग्लेक्ट किया गया, नजरअंदाज किया गया लंबे टाइम तक। भाई साहब उसके बाद आता है 1979 का साल, एक्चुअल में जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में चौधरी चरण सिंह के अंडर, तो सॉरी मुरारजी देसाई के अंडर, उसके बाद चौधरी चरण सिंह वगैरह आए, जी वगैरह आए, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, दे बेसिकली वांटेड टू मोबिलाइज सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, बेसिकली देयर वर पॉलिटिकल रीजंस बिहाइंड इट, right, every party, every government, they have to create their own mass base. So for that matter, they appointed, in 1979 they appointed a commission called as Mandal Commission, BP Mandal, under the same provision, same article 340, they appointed a commission, Mandal Commission said, Mandal Commission submitted its report in around 1980-1981, right? And Mandal Commission recommended कि भैया आप जो reservation ले रहे हो और right जिस socio-economic caste census के basis पे भारत में जो जो caste census हुई थी, last caste census वो 1931 में हुई है, उसके बाद भारत में caste census नहीं हुई है, समझ रहे हो, इसीलिए आज के दौर में कास्ट सेंसस कितनी डिमांड थी। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस अलग है, वो 2011 में हुई है, लेकिन कास्ट सेंसस लास्ट जो भारत में हुई है वो 1931 में हुई है, और इसी कास्ट सेंसस के बेसिस पे हमने रिजर्वेशन दे रखा था SC ST's को। मंडल कमीशन सेड कि भैया ये जो कास्ट सेंसस आप ले रहे हो ना 1931 की, इसके मुकाबले भारत में SC ST और OBC की पॉपुलेशन का शेयर बहुत ही ज्यादा है, राइट, बहुत ज्यादा है, अराउंड 72-73% SC ST OBC का इनका रिप्रेजेंटेशन, इनका इसने इसी कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, राइट। सो रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करने के लिए मंडल कमीशन रिकमेंडेड कि भैया 27% जो है रिजर्वेशन दिया जाए OBC's को भी, अदर कैटेगरीज को। अभी इशू यही है OBC का, आजकल इशू यही चला है कि इवन OBC's को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उनमें से 97% जो सीट्स हैं एज पर द रिपोर्ट ऑफ रोहिणी कमीशन, 97% ऑफ जो सीट्स हैं वो अराउंड 25% OBC लोगों ने ही कैप्चर कर रखी है, ठीक है, OBC's के अंडर भी देर आर सर्टेन सब क्लासेस, तो उन्होंने ही वो उतनी सारी पोस्ट वहां पे कैप्चर कर रखी है। सो देर इज अनदर लेवल ऑफ क्रिमिनल, सो इट इज बीइंग रिकमेंडेड कि सब कैटेगराइजेशन हो OBC का भी, भैया इस कास्ट को इतने सीट, इस कास्ट को इतने, इसको इतने, इसको इतने, देन अगेन इट इज अ पॉलिटिकल मैटर, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा अज्यूमिंग की जिस तरीके से चीजें चलती है, पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मैटर है। सो ये रिकमेंडेशन दी मंडल कमीशन ने, लागू नहीं की गई, अगेन द रीजन बीइंग कि भैया ये पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है। इसी चीज को कैपिटलाइज करने के लिए 89 इंडिया में फिर से एक पॉलिटिकल रकस आता है। राजीव गांधी जी की, ठीक है, गवर्नमेंट गिरने के बाद उन्हीं की सरकार में जो पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह,
he became the prime minister. And again, Vishwanath Pratap Singh was the same person who used to propagate a lot about Bofors कांड एटसेट्रा, कि ये आदमी कहता था कि मेरी जेब में जो है एक चिट्ठी पड़ी हुई है, निकल जाएगी तो सारे कांडियों का उसमें नाम होगा. दिस इज बेसिकली योर विश्वनाथ प्रताप सिंह की वो पूरी कहानी इनके, एंड ही वॉन द इलेक्शन. बट अगेन इट वॉज ए फ्रैक्चर्ड मैंडेट बिकॉज ऑफ विच विद इन वन ईयर ही लॉस्ट हिज गवर्नमेंट अगेन. बट पॉलिटिक्स को अलग करते हुए वीपी सिंह ने, ठीक है, इनकी अगर इस चीज पे इन्होंने क्या एक्शन लिया, he introduced the OBC quota. 27% reservation for OBCs was provided. VP Singh ki image OBCs ke andar bahut achhi ban gayi, lekin North India mein ek general versus OBC bahut sare dange hona shuru ho gaye. Because of which law and order crisis etc. everything happened. Aur uski wajah se, theek hai, ye sarkar bhi gir gayi. Re-election hue, theek hai. Again, beech mein sarkar girne ke baad, there was again I'm forgetting the name again, main bol hi jata hu cheezon ko, right. So uske baad jab re-election hue, then the chanakya of Indian politics, theek hai, jo ki यार पीवी नरसिम्हा राव जी, इन्होंने एक मेजर चेंज लाया इस पूरी पॉलिसी में. अपार्ट फ्रॉम 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, ही इंट्रोड्यूस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस आल्सो. तो ये जो EWS रिजर्वेशन हमने अभी तक सुना हुआ है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से EWS रिजर्वेशन आया, नो, ये रिजर्वेशन पहले भी इंट्रोड्यूस किया था पीवी नरसिम्हा राव ने, कि वो जो जनरल वर्सेज ओबीसी का नॉर्थ इंडिया में चल रहा था उसको एक तरीके से, ही वॉज रियली चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. मैं अगेन पता नहीं बीच में कैसे नाम भूल गया इनका था, राइट. तो ये पीवी नरसिम्हा राव जी की गेम थी भैया, गेम इन्होंने अच्छी खेली, लेकिन ये चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में. इसी को माना जाता है मंडल केस. सुप्रीम कोर्ट की इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो इंपॉर्टेंट है. मंडल केस या फिर इंदिरा सानी जजमेंट, इंदिरा साहनी जजमेंट, ठीक है, ये जो जजमेंट आई इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व, नंबर वन, 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इट वॉज अलाउड, राइट. वाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडिंग की, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडिंग की एससीज एसटीज और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप जो है रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकते हो. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान आप कर सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था. बट उस वक्त तक कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा गया था कि ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन हो. सो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कि भैया ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एससीज एसटीज और ओबीसीज की बात हुई है, तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन उन्होंने वहां पे उस टाइम नलीफाई कर दिया था. वापस ये 2019 में लाया गया, और 2019 में जब लाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा अमेंडमेंट किया गया, राइट. तो दिस वॉज द पॉजिटिव साइड जो कि अभी वाले ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में हुई है. तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि रिजर्वेशन इज ओनली फॉर एंट्री लेवल, इट मीन्स नो रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन. ये याद रखना है क्योंकि इस पे बाद में एक अमेंडमेंट भी हुआ, वो इंपॉर्टेंट है. चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि भैया ठीक है, अगर आपको रिजर्वेशन, ठीक है, देना भी है तो वो 50% सीलिंग लिमिट तक आपको देना पड़ेगा, राइट. इससे ऊपर कोई भी रिजर्वेशन आपका नहीं जाना चाहिए. दीज वर प्राइमरीली, हाँ, एक इनकी और जजमेंट थी
जजमेंट रिगार्डिंग बैकलॉग वैकेंसीज। अभी बैकलॉग वैकेंसीज क्या होती है, मान लीजिए ठीक है 25 25 वैकेंसीज है, ठीक है 50% करना है, 25 25 25 एससी एसटी ओबीसी और 25 जनरल की वैकेंसीज है। अब मान लीजिए एक साल में सरकार ने जनरल की तो सारी वैकेंसी फुल कर दी, इसकी सिर्फ है ना सिर्फ 15 ही कर पाए, 10 बच गई। तो गवर्नमेंट्स का ओपिनियन ये था कि ठीक है ये 10 जो है हम अगले साल फिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन इट वुड बी सब्जेक्ट टू 50% सीलिंग लिमिट। इट मीन्स अगले साल अगर सरकार को फिर से 25 25 वैकेंसीज नहीं लानी थी और उसमें अगर इस तरफ आप 10 और ऐड कर दोगे तो ये तो 35 हो जाएगी रिजर्व्ड कैटेगरी की, 50% सीलिंग लिमिट ब्रीच होगी। तो सरकारों को क्या करना पड़ रहा था, इसी जजमेंट की वजह से इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से सरकारों को अब यहाँ पे भी जनरल में भी सीटें इंक्रीज करके 35 करनी पड़ रही थी। ये एक बड़ी दिक्कत थी, समझ रहे हो, ज्यादा भर्तियां होगी तो सरकार पैसा कहां से देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व यही किया था, अपनी ऑब्जर्वेशन यही दी थी, भैया ये जो बैकलॉग वैकेंसीज है, बैकलॉग वैकेंसीज को आप फिल तो कर सकते हो बट 50% सीलिंग लिमिट पे ही होना चाहिए। दिस प्रोविजन वॉज अमेंडेड। इसी बैकलॉग वैकेंसी के ये जो ठीक है लिमिट लगाई गई उसी को अमेंड करने के लिए 81st अमेंडमेंट लाया गया और बोला गया कि ठीक है आप बैकलॉग वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं और विदाउट अधियरिंग टू दिस 50% क्राइटेरिया। समझ रहे हो बात को, सो दिस इज नंबर वन थिंग। नंबर सेकंड कि भैया एक 77th अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया 1995 में। आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, स्टोरी याद रखनी है बस कि हुआ क्या है एक्चुअल में। ये 77th अमेंडमेंट एक्ट इसलिए लाया गया ताकि जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन जो है आप सिर्फ और सिर्फ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेवल पे मिलनी चाहिए, प्रमोशन पे कोई रिजर्वेशन ना हो। तो अमेंडमेंट करके सब सेक्शन 4A, ठीक है सेक्शन 4A ऐड किया गया आपके इसी आर्टिकल 16 में, भैया प्रमोशन में भी आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, समझ रहे हो। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट कि एक और अमेंडमेंट किया गया। देन एक और चीज आपको याद रखनी है कि देयर वॉज 76th अमेंडमेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, जिसके तहत 9th स्केड्यूल में, जिसकी कहानी हमने कल देख ली है कि 9th स्केड्यूल का एक्चुअल में मामला क्या है। 9th स्केड्यूल कह रहा है बेसिकली, 9th स्केड्यूल इज सेइंग कि जो भी लोग, एंड दिस 9th स्केड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। 9th स्केड्यूल कहता है कि जो भी लॉज इसमें रखे जाएंगे, इस स्केड्यूल में रखे जाएंगे, दे विल बी अनचैलेंजेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इन द सुप्रीम कोर्ट, दे विल बी अनचैलेंजेबल। भैया अनचैलेंजेबल अगर आपने ये घोषित कर दिया तो हो सकता है ऐसे कई लॉ हो जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहे हो, राइट तो उसी को नलीफाई करने के लिए देन देयर वाज आईआर कोहिलो जजमेंट। ये बहुत लेट आई है, ठीक है 2007 के आसपास की है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर कैन बी नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी टू एनी लॉ, इवन द लॉज प्लेस्ड इन 9th स्केड्यूल विल बी सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन तो 1973 में आया, इससे पहले तो नहीं था, राइट तो सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा कि जो 1973 से पहले आपने लॉ 9th स्केड्यूल में रख दिए उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। इसके बाद वाले बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जब आया उसके बाद अगर कोई प्लेस किया गया है दैट वुड बी चैलेंजेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। सो विद रिगार्ड्स टू 9th स्केड्यूल देयर इज अ पार्शियल जुडिशियल रिव्यू, पर इसमें मोस्टली आपके जो ठीक है जो लैंड रिफॉर्म वगैरह से रिलेटेड लॉज है वो लॉज इसमें रखे गए हैं मोस्टली। तो भैया हुआ क्या, 76th अमेंडमेंट से तमिलनाडु का एक लॉ, तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट, वो इसमें रखा गया जो कि प्रेस्क्राइब करता है 50% सीलिंग लिमिट के ब्रीच को, 69% वो प्रेस्क्राइब करता है, समझ रहे हो 69% रिजर्वेशन इज बीइंग प्रेस्क्राइब्ड। तो एक स्टेट ऐसा भी है जहां पे ये ब्रीच होती है ये लिमिट, राइट तो और वो लॉ अभी 9th स्केड्यूल में रखा गया है और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उसे चैलेंज भी नहीं किया गया है, सिंपल बात, राइट तो वो अभी तक बचा हुआ है, अदरवाइज इट इज चैलेंजेबल। व्हाई, बिकॉज 1973 के बाद ये इसमें ऐड किया गया, सिंपल बात,
राइट। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। देन भैया उसके बाद आपको 103rd अमेंडमेंट याद रखना है, जिसके थ्रू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। ओ सॉरी, वन सेकेंड। हाँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से किया गया है, ठीक है। अब जो है इनके लिए भी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 10% रिजर्वेशन रखा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि भैया ये 10% लिमिट क्या गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है? इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो अगर वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो कॉन्फिडेंटली मार्क करना यस, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि 10% रिजर्वेशन होगा ईडब्ल्यूएस के लिए, राइट। अब ईडब्ल्यूएस की सीलिंग लिमिट क्या होगी ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है सीलिंग लिमिट। ये कहां लिखा है? फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 15 देयर इज अ एक्सप्लेनेशन बिलो आर्टिकल 15, जिसमें ये लिखा गया है कि आर्टिकल, है ना, आर्टिकल 15 के लिए और आर्टिकल 16 के लिए ईडब्ल्यूएस का मीनिंग वो होगा जो स्टेट नोटिफाई करेगा, राइट। तो वो क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, यहां से ये भी बात याद रखनी है। देन कम्स आर्टिकल 17 व्हिच इज प्रोवाइडिंग फॉर एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। दिस आर्टिकल इज अ वेरी सिंपल आर्टिकल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स व्हिच आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड व्हिच आर अवेलेबल अगेंस्ट द सिटीजंस एज वेल। आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज सिटीजंस, राइट। सो अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन इन एनी फॉर्म, इट इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। भैया आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते हो। द एनफोर्समेंट ऑफ डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड दिस ऑफेंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। याद रखना है ये क्रिमिनल ऑफेंस है अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना। नो, अनटचेबिलिटी का मीनिंग इंडिया में लिटरल मीनिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व कि इट इज नॉट कैरिंग अ लिटरल मीनिंग, लिटरेरी मीनिंग ये कैरी नहीं कर रहा है, इट हैज ए ब्रॉडर मीनिंग। अनटचेबिलिटी में ना सिर्फ छुआछूत आता है बल्कि इफ यू आर एक्सक्लूडिंग एनी क्लास ऑफ सिटीजन, ये याद रखना है यहाँ पे, क्लास ऑफ सिटीजन्स, एनी क्लास ऑफ पर्सन, सॉरी, एनी क्लास ऑफ, ठीक है, इफ यू आर एक्सक्लूडिंग एनी क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है, इन इंडिया, तो भाई साहब एक्सक्लूडिंग एनी क्लास ऑफ पर्सन फ्रॉम एनी पब्लिक पर्पज इन इंडिया, वो भी आपके अनटचेबिलिटी के डिस्क्रिप्शन में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन को अगर आपने टेम्पल एंट्री से मना कर दिया, उसमें अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं हुई बट टेम्पल एंट्री से मना कर दिया, तो वो भी अनटचेबिलिटी कंसिडर की जाएगी और वो बैंड है। बट क्लास ऑफ पर्सन डज नॉट मीन ग्रुप ऑफ पर्सन और पर्सन। इट मीन्स अ पर्सन कैन बी और अ पर्सन अ ग्रुप ऑफ पर्सन कैन बी बॉयकॉटेड बाय द सोसाइटी बट नॉट ए क्लास। क्लास कैन नॉट बी बॉयकॉटेड, ग्रुप ऑफ पर्सन और पर्सन कैन बी बॉयकॉटेड बाय द सोसाइटी फॉर एनी रॉन्ग रीजन। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी कमिट्स रेप, देन टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन कैन से कि हाँ, दिस पर्सन कैन नॉट एंटर द प्रीमाइसिस ऑफ द टेम्पल। सो ग्रुप ऑफ पर्सन और अ पर्सन कैन बी बॉयकॉटेड अबाउट बाय द सोसाइटी बट अगेन दैट बॉयकॉट शुड ऑल्सो अधियर टू द अदर फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो इट शुड बी रीजनेबल एंड रैशनल बट सोशल बॉयकॉट इज नॉट अनटचेबिलिटी अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल 17। इसी को अप्लाई करने के लिए इसमें लिखा गया है कि इट शुड बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इसी को अप्लाई करने के लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया जिसे पहले कहते थे SC ST एक्ट और बाद में इसका नाम हुआ सिविल राइट्स एक्ट। ठीक है, अब ये जो एक्ट है इसमें भाई साहब इसमें इतनी, ठीक है, भयंकर प्रोविजन हैं कि इवन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी, प्रोपेगेटिंग अनटचेबिलिटी एंड अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग एंड प्रोपेगेटिंग, इवन इफ यू आर डिफेंडिंग बाय वर्ड्स और डीड्स, इफ यू आर डिफेंडिंग अनटचेबिलिटी एज ए प्रैक्टिस, इवन देन इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस।
इन फैक्ट व्हेन यू ठीक है व्हेन यू गो थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए एक्ट 1951 एनी ऑफेंस कमिटेड एंड पनिश्ड एनी पर्सन पनिश्ड अंडर एससी एसटी एक्ट इज डिसक्वालिफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर 6 years. समझ रहे हो? अगर आपके खिलाफ एससी एसटी एक्ट लगा और आप उसमें कन्विक्ट पाए गए तो भाई साहब आपको डिसक्वालिफाई किया गया है अगले 6 साल के लिए, आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं. दिस इज वेरी हार्श लॉ. ठीक है, तो ये लॉ पार्लियामेंट ने ऑलरेडी प्रेस्क्राइब कर रखा हुआ है. राइट, नाउ कम्स दिस आर्टिकल 18. आर्टिकल 18 कह रहा है कि भैया टाइटल को एबोलिश किया जाना है. टाइटल क्या होते हैं? जैसे राजा महाराजा वगैरह इस तरीके के जो टाइटल होंगे, राइट, जो कि एकेडमिक या मिलिट्री नहीं होंगे. मतलब किसी को कर्नल आप बोले तो टाइटल है, मिलिट्री टाइटल है. किसी को डॉक्टर आप बोले, एकेडमिक टाइटल है. अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स, अदर टाइटल्स दे आर एबोलिश्ड अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी, ना सिर्फ स्टेट बल्कि सिटीजन्स भी खुद को ये टाइटल्स नहीं दे सकते हैं. इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन इंडिया. नंबर वन. नंबर टू, भाई साहब इंडियन सिटीजन किसी भी फॉरेन स्टेट से टाइटल लेंगे भी नहीं. यहां पे एक डिस्प्यूट आता है. बात ये कि बहुत सारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे फॉरेन स्टेट्स ने, दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया, बहुत सारे फॉरेन स्टेट्स ने अपने जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं वो देके रखे हुए हैं. देयर वाज अ केस, वी विल स्टडी इन द लास्ट. अभी के लिए ये समझो, इफ एनी सिटीजन इज रिसीविंग एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट देन इट इज पनिशेबल, इट इज नॉट पनिशेबल बट द सिटीजन लूजेस द सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट. राइट, ये भी याद रखना. देन अपार्ट फ्रॉम सिटीजन्स देयर कैन बी अदर पीपल ऑल्सो हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, देयर कैन बी अ फॉरनर हु आर वर्किंग इन इंडिया अंडर द स्टेट, अंडर द अथॉरिटी ऑफ स्टेट. वो सरकार में काम कर रहे हैं, फॉरनर है लेकिन सरकार में काम कर रहे हैं. ऐसे जो लोग हैं हु आर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट इन इंडिया, दे कैन एक्सेप्ट द टाइटल बट ओनली विद द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. किसी फॉरेन स्टेट से दे कैन एक्सेप्ट द टाइटल बट प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड. सिटीजन कैनॉट एक्सेप्ट, फॉरनर कैन एक्सेप्ट बट प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर दोज हु आर वर्किंग अंडर द स्टेट. Now there is another thing that from any foreign country we can receive present emolument or any office also. For example, if foreigner is working in India under Indian government, there can be an Indian working in USA under US government. There can be a two-way process. तो भाई साहब अगर आपको किसी foreign state से ऐसा present state से, not private body, याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है और ये उन लोगों पे लागू होता है. यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनेगा, वो बोलेंगे कि एनी पर्सन, एनी इंडियन सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट. नो, ये जो रिस्ट्रिक्शन अभी यहाँ बताई जा रही है कि भैया कोई भी पर्सन जो भारत में राज्य के अंडर, सरकार के अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ट्रस्ट को होल्ड कर रहा होगा, वो विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेजिडेंट किसी फॉरेन स्टेट से प्रेजेंट इमोल्यूमेंट या फिर ऑफिस नहीं ले सकता है. मतलब आप भारत में काम कर रहे हो, कोई पर्सन आइदर फॉरनर और सिटीजन, इफ यू आर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, यू कैन रिसीव अ प्रेजेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट बट ओनली विद प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेजिडेंट. नाउ देयर इज अनदर केस. केस इज रिलेटेड टू द अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, अभी भी दिया हुआ है, ठीक है, अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं, ठीक है, अवार्ड्स लाइक भारत रत्न एंड पद्म भूषण, पद्म विभूषण एटसेट्रा. मैनी पीपल यूज दीज वर्ड्स एज प्रीटेक्स्ट टू द नेम, राइट, एज अ सिंबल टू द नेम, राइट, एज प्रीफिक्स टू द नेम. फॉर एग्जाम्पल, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी. सो इट वॉज चैलेंज्ड इन द कोर्ट, in the Supreme Court. It was challenged on the ground कि भैया Article 18 तो restrict कर रहा है. Article 18 कह रहा है कि other than military and academic title, you cannot give any title. So Balaji Raghavan case. Balaji Raghavan versus Union of India.
भाई साहब ये क्वेश्चन आया था 2021 में, जाकर के देख लेना प्री का। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड भारत रत्न एटसेट्रा, ठीक है, फॉर एग्जांपल भारत रत्न, नेशनल अवार्ड्स एटसेट्रा, दीज आर अवार्ड्स नॉट टाइटल्स, दीज आर अवार्ड्स नॉट टाइटल्स, दे डू नॉट फॉल अंडर द डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन ऑफ टाइटल प्रेस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 18। Number one, so they are awards. Number two, Supreme Court gave a reference of Article 51, I think subsection G. Right? Clarify it. Comment में बताइए सही है कि नहीं है. So this reference was given by Supreme Court, and Supreme Court said कि this article, A subsection G, हाँ, this article is saying कि भाई साहब citizens की duty होगी to achieve excellence in anything they are doing, to try to achieve excellence in any pursuit. आपने जो भी वो लाइफ में काम कर रहे हैं उसमें उन्हें एक्सीलेंस को अचीव करना है। Now if there is no encouragement, award or reward, why will citizens achieve the excellence? और अगर वो excellence को अचीव नहीं करेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा सोशल ग्रोथ के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट सेड कि रिवॉर्डिंग द मेरिट is not against equality, ठीक है, rewarding the merit should not be seen as an action taken against the equality principle of equality. Equality does not require to curb the merit of the individuals. This is why awards can be allowed. Now comes the same question कि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर को, तो ये जो दूसरी बात बोल रही है ना कि प्राइम मिनिस्टर जो है या फिर नो सिटीजन इन इंडिया, ये कोई टाइटल फॉरेन स्टेट से नहीं लेंगे। वो सारे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं फॉरेन स्टेट के अवार्ड्स, ये हम बोल रहे हैं उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स में वो एज ए टाइटल भी है, उसे टाइटल वो रिकोगनाइज करते हैं, बट इंडिया में उन सारे अवार्ड्स को एज एन अवार्ड रिकोगनाइज किया जा रहा है, नॉट टाइटल। And Supreme Court said another thing कि भैया आप जो है ऐसे award दे सकते हैं, but you cannot use them as prefixes और suffixes. आप उनको एक prefix और suffix के तौर पे use नहीं कर सकते हैं, नाम से पहले और बाद नहीं use कर सकते हैं as a title. समझ रहे हो? But again people keep using it. वो law कितना follow होता है वो अलग बात है, लेकिन this is it is what it is. कानून ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है, कितना फॉलो हो रहा है और कितना वो रिपोर्ट होता है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। आई होप दीज सेशन आर एडिंग एनी वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। इफ येस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, शेयर द लेक्चर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगेन वी आर कवरिंग दिस पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। And in the end, for example, जैसे ही हमने fundamental rights को complete किया, we will do PYQs, all PYQs from the topic. We will give much more attention, we will pay much more attention to this part, fundamental right, DPSP, etc. ताकि हम इनको बहुत broadly cover करें। यहाँ से 4 से 5 question बनते ही है, हर साल बनेंगे। Preamble we have already covered very broadly, ठीक है? अब ये fundamental right, DPSP, ठीक है, fundamental duty वगैरह, structural part से काफी कम question पूछे जाते हैं, but again we will cover that too, लेकिन काफी ज्यादा time यहाँ पे दिया जाएगा, right? तो अगले 3-4 session भी वो fundamental right पे ही रहने वाले हैं, हालांकि अगले थोड़े छोटे होंगे। ये वाला केस, ये ऊपर जो हमने देखा मंडल कमीशन एट सेक्टर, ये थोड़ा काफी काफी ब्रॉड था, काफी लंबा रहता है, ठीक है, हम जाने में दिक्कत तो होती है जहाँ पे सीधा फेस टू फेस इंटरेक्शन ना हो। आई होप ये सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर पा रही होंगी। जैसा मैंने ऑलरेडी कहा, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन आपको जो है कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल ही जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।